ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत नाबालिग बालिका को कुछ ही घंटों में खोजकर परिजनों से मिलवाया। थाना लहार क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 14 जनकपुरा कस्बा लहार से एक नाबालिग लड़की अपने परिजनों को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने थाना लहार आकर नाबालिग बालिका के गुम होने की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 जुलाई 2024 से नए भारतीय कानून लागू होने से नए भारतीय कानून भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 137(2) के तहत थाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी लहार को निर्देशित किया कि आप तत्काल एक टीम गठित कर उपरोक्त बालिका को दस्तयाब करें। बाद थाना प्रभारी लहार रविंद्र शर्मा ने टीम गठित कर उपरोक्त अपहर्ता के दस्तयाबी हेतु रवाना किया। उक्त पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत और तत्परता से अपहर्ता की तलाश कर कामयाबी पाई। 6 घंटे के भीतर ग्राम बिलाव थाना उमरी से खोज निकाला। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर असित यादव जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक जी तथा SDOP लाहौर श्री प्रवीण त्रिपाठी जी के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान के तहत मात्र 6 घंटे में एक नाबालिग बालिका को ढूंढकर उसके परिजनों के सपोर्ट लाहौर टीम द्वारा किया गया है। कल दिनांक को कुछ परिजन उपस्थित आए थे थाने पर, उनके द्वारा रिपोर्ट कराई थी कि एक नाबालिग बालिकाओं की गुम हो गई, जिस पर कल 1 जुलाई का दिन होने से 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू होने से धारा 137(2) के तहत थाना लहार पर एक नए भारतीय कानून के तहत पहली FIR दर्ज की गई थी। इसमें 6 घंटे में ही अपहर्ता को दस्तयाब किया गया है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।